और इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से, जहां पर उड़ान भरते ही एक यात्री विमान लापता हो गया है और उसकी तलाश लगातार की जा रही है। और इस यात्री विमान में 22 लोग सवार थे, 22 लोग सवार थे जिसमें चार भारतीय भी हैं। बड़ी खबर इस वक्त नेपाल से, और दो विदेशी नागरिक इसमें हैं, 13 नेपाली नागरिक बताए जा रहे हैं। और विमान पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरा था उसने, और उसके बाद से तकरीबन आधे घंटे उसने उड़ान तो भरी, लेकिन उसके बाद से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। विमान की तलाश में नेपाली सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर जुटा है, लेकिन खराब मौसम लगातार खलल पेश कर रहा है, लगातार दिक्कतें आ रही इसकी वजह से। और अभी इस वक्त बताया जा रहा है कि रुकावट आ रही है खराब मौसम की वजह से। ये विमान तारा एयरलाइंस का था, क्रू मेंबर्स 3 उसमें थे, विमान के पायलट कैप्टन प्रभाकर प्रसाद घिमीरे, को पायलट इताजा पोखरेल और एयर हॉस्टेस कास्मी थापा उसमें शामिल है। और जो चार भारतीय उसमें बताए जा रहे हैं वो भी उसमें लापता है, जिनके नाम कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, ऋतिका त्रिपाठी और वैभवी बांदेकर हैं। और इस वक्त हमारे साथ नेपाली पत्रकार पंकज दास जी लगातार बने हुए। पंकज जी, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी भी क्या क्या जानकारी है? क्या वो रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है या चल रहा है, और चल रहा है तो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है? बीच बीच में जैसे ही मौसम में थोड़ा सुधार होता है तो ऐसे ही नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भरता है और आसपास के क्षेत्रों में वो दिख रहा है। लेकिन अब मौसम अचानक से बदल जा रहा है, यहाँ पे जो जोमसोम का एरिया है वहाँ पे मौसम बदलने के बाद जो है उनको रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ रही है, तो बहुत ज्यादा देर तक कंटिन्यू रेस्क्यू का काम नहीं किया जा रहा है, नहीं कर पा रही है जो नेपाली सेना की हेलीकॉप्टर है। तो वापस वो जोमसोम में अभी भी हम नेपाली सेना के जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि अभी भी वापस जो है हेलीकॉप्टर वो जोमसोम एयरपोर्ट पे आके रुक गया है। जैसे ही मौसम में कुछ सुधार होता है वैसे ही जो है फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन लोकल प्रशासन तो होगा उस हिस्से में, लोकल पुलिस होगी उस हिस्से में जो उस एरिया तक पहुंच सकती है, जहां पर अगर हो सकता है कि वो विमान अगर गिरा हो तो उस हिस्से में पहुंचा जा सकता है। जो मानव बस्ती है वहां पे तो 2-3 बार जो है हेलीकॉप्टर का चक्कर लग चुका है, लेकिन हो सकता है कि ये दुर्गम एरिया हो जहां पर कोई रहता नहीं हो, आसपास का इलाका, कई सारे वहां पे इलाके हैं जो बिल्कुल पहाड़ी जगह है, वहां लोग नहीं रहते हैं, तो ऐसे किसी यदि पहाड़ पे अगर कुछ इस तरह की बातें हुई होगी तो वहां से खबर आ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन स्थानीय लोग कहीं से जो जिला प्रशासन को खबर दे रहे हैं तो उन इलाकों में हेलीकॉप्टर को लगातार मतलब भेजा जा रहा है, लेकिन मौसम लगातार यहां बदल रहा है, तेज बारिश हो रही है, घना कोहरा छाया हुआ है, तो ऐसे में हेलीकॉप्टर को भी बहुत मुश्किल आ रही है रेस्क्यू करने में। पंकज जी, वहां का प्रशासन ये मानकर चल रहा है कि हो सकता है कि हादसे का शिकार हो गया है ये विमान, और ये वजह है कि न फोन उठा रहे पायलट और ये सारी समस्याएं हुई हैं? अभी तक कुछ भी आधिकारिक, जब तक नेपाली सेना का जो रेस्क्यू टीम है वो देख नहीं लेती है खुद से, तब तक कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। स्थानीय प्रशासन जो है मुस्तांग जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास, मैं पंकज जी आपके पास लौट रहा हूँ। इस बीच में जो तस्वीरें आ रही नेपाल से, उन तस्वीरों को आप देखिए, ये एक नेपाली हेलीकॉप्टर है जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, लगातार घूम रहा है उस हिस्से में, लेकिन आप देखेंगे कितना घना कोहरा है। अमूमन दिल्ली या मैदानी हिस्सों में जो है सर्दियों में आप इस तरह का कोहरा देखते हैं, लेकिन पहाड़ों पर अगर आप वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हैं तो जैसे ही बरसात होती है या इस तरह का मौसम होता है तो वहां पर कोहरा आ जाता है और घना कोहरा होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, और यही वजह है कि हेलीकॉप्टर फिर उड़ान नहीं भर पाते, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाता है। आप देखेंगे ऊंची ऊंची चोटियां हैं और उन ऊंची ऊंची चोटियों में हेलीकॉप्टर मंडरा तो रहा है लेकिन इसकी विजिबिलिटी भी बहुत कम होगी, ये नीचे उतना घाटी जो है नीचे घाटी में देख भी नहीं पा रहा होगा, यही वजह है कि प्रॉब्लम सारे परेशानियां आ रही होंगी। पंकज दास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, कुल कितनी टीमें वहां पर भेजी गई हैं, पैदल मार्ग से कितनी टीमें गई हुई हैं, कितने हेलीकॉप्टर्स हैं, क्या भारत सरकार से भी कॉन्टैक्ट कर रही है नेपाली सरकार? वहां पे सुबह में पहले 2 प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर है उनको भेजा गया था, जैसे ही ये प्लेन मिसिंग की खबर आई वैसे ही जो है 2 हेलीकॉप्टर को भेजा गया, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें आसपास करीब आधे घंटे तक उन्होंने सर्च किया लेकिन कुछ भी उनको पता नहीं लगा उस रूट में, वापस मौसम खराब होने के कारण वो जोमसोम में आ गई थी। उसके बाद नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर को भेजा गया था, नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो रेस्क्यू के लिए उड़ान तो भर रहा है लेकिन वापस दोबारा मौसम खराब होने के कारण उसे वापस उतरना पड़ गया था जोमसोम एयरपोर्ट पर।
भारत सरकार के तरफ से सुबह से ही वो नेपाल सरकार के साथ यहाँ जो इंडियन एम्बेसी काठमांडू में वो लगातार संपर्क में है, उन्होंने अपने तरफ से ऑफर भी किया है कि रेस्क्यू में यदि किसी तरह की उनको मदद की जरूरत हो तो भारत सरकार उसके लिए तैयार है, लेकिन नेपाल की तरफ से अभी खुद ही वो किया जा रहा है और उनको कहा है कि यदि इस तरह की कोई आवश्यकता होगी तो वो भारत से संपर्क करेंगे। ठीक है पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आपके पास इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई क्या क्या जानकारी? विमान लापता है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, भारत सरकार किस तरह से सहयोग कर सकती है, क्या क्या चल रहा है? जी देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि अब जो स्पॉट है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां की तस्वीरें आज तक को मिल गई हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो बाकायदा नेपाली सेना है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, साथ ही साथ जो नेपाल प्रहरी है वो भी जो प्लेन है उसको लोकेट करने की कवायद में जुटे हुए हैं। नेपाल पुलिस के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन जो प्लेन की प्लेन कहाँ है इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। नेपाल सरकार ने जिस तरह का आदेश दिया उसके बाद जो नेपाली सेना है वो प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर है उसकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन जहां पर पॉसिबल लोकेशन मिल रही है वहां पर मौसम काफी खराब है, इस वजह से जो रेस्क्यू जो लोकेट करने के लिए जो सेना के लोग लगे हैं उनको मुश्किलों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। जो लोकेशन की आप बात करें, क्या ये वही लोकेशन है जो पायलट के मोबाइल फोन पर कॉल करके जो ट्रेस किया गया है, मोबाइल फोन को जो है ट्रैक किया गया है, वही लोकेशन है? जी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन की तरफ जो नेपाली सेना है वो उस तरफ पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि मौसम खराब है इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो नेपाल पुलिस के अधिकारियों से आज तक की बात हुई उनका कहना है कि पूरी टीम लगी हुई है, नेपाली सेना और नेपाल प्रहरी वो तमाम टीमें लगी हुई हैं और जो लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी लगी हुई है और जो फोन की लोकेशन मिली है वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अरविंद, क्या भारत सरकार अभी हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि भारत सरकार ने उनको कहा है कि हम मदद के लिए तैयार हैं क्योंकि भारत के पास अत्याधुनिक विमान है जो ऐसे मुश्किल जगहों पर जाकर आराम से लोकेट ट्रैक कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा और कहां पर गिरा होगा अगर गिरा है। जी बिल्कुल, देखिए रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल से रहा ही है और पड़ोसी मुल्क है और ऐसे में जाहिर सी बात है डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बातचीत हुई होगी, कई जो पैसेंजर है वो इंडिया के भी हैं तो ऐसे में जो तमाम ऑफर है वो इंडिया की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन नेपाल के जो पुलिस है विष्णु केसी उनसे जो हमारी बात हुई उनके मुताबिक जैसे उनको जानकारी मिली उसके बाद जो नेपाली सेना है उनको बाकायदा एक प्राइवेट एयरलाइंस का हेलीकॉप्टर दिया गया जिसकी तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद है, उनकी मदद से वो लोकेट कर रहे थे। उसके अलावा जो ग्राउंड पर नेपाल प्रहरी है, नेपाल पुलिस है, उनकी भी टीमें लगी हुई है, तो तमाम जो पॉसिबिलिटीज है जो नेपाली सेना है चाहे नेपाल पुलिस उनकी तरफ से की जा रही है। जो मोबाइल की लोकेशन पायलट की मिली है वहां तक पहुंचने की भी कोशिश ग्राउंड के जरिए की जा रही है नेपाली सेना की तरफ से। ठीक है अरविंद, आप बने रहे, पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, सवाल ये कि प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? ऐसे में जो एक्सपर्टीज जो प्रबंधन होता है क्या वो नेपाल के पास उस तरह का कोई प्रबंधन नहीं है, ऐसी कोई टीम नहीं है जो ऐसे मौकों के लिए तैयार रहती हो? देखिए अभी उतना एडवांस टेक्नोलॉजी या इस तरह की कुछ भी बातें यहाँ नेपाल में तो फिलहाल नहीं है और सबसे बड़ी बात जो है मौसम खराब होने के कारण क्योंकि बहुत ही घना कोहरा छाया हुआ है उस जगह पे जो संभावित जगह जहां आशंका है कुछ होने की उस जगह पे घना कोहरा छाया हुआ है और तेज बारिश भी हो रही है तो इस वजह से किसी के लिए भी वहां पे रेस्क्यू कर पाना इस समय काफी मुश्किल है क्योंकि कुछ भी पता लगाने के लिए जो हेलीकॉप्टर को बहुत ही लो फ्लाई करना होगा और चूंकि वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं तो किसी से कोई हेलीकॉप्टर फिर जो रेस्क्यू में जा रही है उसके साथ ही कुछ दुर्घटना हो जाए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है तो इसलिए जैसे ही मौसम में कुछ सुधार आएगा तो निश्चित रूप से नेपाली सेना का जो हेलीकॉप्टर वहां पे स्टैंड बाय है या प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर सरकार ने वहां पे किए हुए हैं वो स्टैंड बाय है उनको भेजा जाएगा। पंकज, यानी कि इस वक्त पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है क्योंकि बारिश हो रही है, बता रहे हैं मौसम खराब है। जी बीच बीच में जैसे ही 10-15 मिनट के लिए उनको थोड़ा सा मौसम में सुधार होता है और हेलीकॉप्टर उड़ने की के लिए लायक मौसम रहता है तो वो उड़ा रहे हैं लेकिन वापस वहां पे फिर बेस में आ जा रहे हैं क्योंकि बहुत अधिक दूरी तक वो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं इस समय मौसम खराब होने की वजह से। जो पंकज जी बेस है, बेस से उस लोकेशन की दूरी लगभग कितनी है, कितना वक्त लग रहा है वहां तक ट्रैवल करने में एक हेलीकॉप्टर को, एक विमान को? जो संभावित जगह है वो बहुत ज्यादा दूरी तो वहां पर नहीं एग्जैक्ट अभी वहां की दूरी के बारे में लेकिन ऐसे वहां पे बताया जा रहा है कि करीब
10 से 15 मिनट की हवाई दूरी पर ही वो लोकेशन आसपास का मौजूद है जहां से कुछ भी कहीं कोई खबर आ रही है तो उन्हीं आसपास इलाकों में वो खोजा जा रहा है। और मोबाइल का ट्रैक जो है वो भी लोकेशन जो है वहीं पे ट्रैक हो रहा है, उसी एरिया में ट्रैक हो रहा है, तो उन्हीं एरिया में जो है पूरा फोकस किया जा रहा है अभी रेस्क्यू को। ठीक है पंकज जी, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए, एक एक अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। विमान लापता है लेकिन इस बीच में चिंता वाली खबर यह है कि मौसम में खलल, लगातार मौसम खराब है और मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है क्योंकि वो दुर्गम घाटी बताए जा रहे हैं जहां पर हो सकता है कि ये विमान खो।